दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले यदि आप Redmi Note 10 फोन यूज करते हैं और उसमें जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के लिए MIUI 13 की जो अपडेट है वो रोल आउट होने स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ मेरे पास Redmi Note 10 फोन है, इंडियन वर्जन ही है। यदि मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके और अपने इंटरनेट ऑन रखना अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, चेक करने के बाद यहाँ पे मेरे को शो ही नहीं हो रही अपडेट, ठीक है। अब इसको आप कैसे अपडेट कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला, कोई भी आपका डेटा वेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूँ, गैलरी में कुछ नहीं है लेकिन मैं एक फ़ोटो खींच के अभी रख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक फ़ोटो मैं लाइव प्रूफ के लिए एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक कर लिया। अब गैलरी में एक फ़ोटो ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करना है, आपको एक काम कर लेना है, आपको एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है रिकवरी रोम की, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा MIUI 13 के, उसको डाउनलोड मैंने कर रखा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड के फोल्डर में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया जो कि 2.79 GB की है। ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, इंडियन वर्जन की है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। उसके बाद अब क्या करना, आपको जाना फ़ोन की सेटिंग्स में, इंटरनेट अपना ऑन रखना। आपको इसके लिए बूट लोडर ऑन करना जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ये लोगो है इस पर दस बार टैप करना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एडिशनल अपडेट फीचर आर ऑन, और यहाँ पे जो ये फीचर है जो नहीं आ रहा था चूज अपडेट पैकेज का, ये आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करना है और सिंपल आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे फिर ड्राइविंग इन्फो चलेगा और थोड़ी देर में आपको ये अपडेट करने के लिए बोलने लग जाएगा। अब देखो कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि आपके जो अपडेट नहीं होता है, तो अपडेट इस वजह से नहीं होता है क्योंकि वो पायलट यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होते पहले, लेकिन ये पब्लिक के लिए रिलीज हो चुकी है। अगर आपके फ़ोन में शो नहीं हो रही तो यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा है कि आपका जो फ़ोन है वो अपडेट हो जाएगा MIUI 13.0.1.0, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ आता था। हम क्या करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो अपडेटिंग है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एरर आपको शो नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप सिंपल तरीके से करेंगे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आपको यहाँ पर वेट करना क्योंकि 100% यहाँ पे चलने वाली अपडेटिंग, तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए फाइनलाइजिंग में हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे रिबूट जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपडेट टू नाइट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है 2 बजे से ये मतलब आपकी जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी अपडेट। यदि आप चाहें तो 2 बजे से 5 बजे के रात को इसको आप अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको अभी अपडेट करना तो रिबूट नाउ पर क्लिक कर देना और आपकी जो अपडेटिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, आपका फ़ोन रिबूट होगा और यहाँ पे कोई भी डाटा आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। तो फाइनली हमारा जो डिवाइस है यहाँ पे रिबूट हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो फ़ोन है अपडेट होने के बाद कुछ आपका जो वॉलपेपर वगैरह वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए MIUI 13 में, और मैं आपको बताऊंगा फुल चेंज इसके बारे में क्या आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। यदि आपको उस वीडियो का रिव्यू देखना है, अपडेट का रिव्यू देखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका रिव्यू आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा जो ऐप है वो लोड हो चुके हैं। तो यहाँ MIUI 13 का पहला इंटरफेस कुछ ऐसा है। सेटिंग्स में जाके मैं आपको चेक कराऊँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। टैब आउट फोन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए MIUI 13 का जो लोगो है वो शो हो गया है। और यहाँ पर वर्जन अगर हम चेक करें तो यहाँ पर MIUI 13.0.1.0 है अपडेट है, और अभी यहाँ पे कोई और अपडेट है नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँ तो यहाँ पे 1 मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ ही अपडेट आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे ख़त्म होता है नहीं होता उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे गैलरी में तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमारा जो ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा लोड करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ़ोटो क्लिक किया था ना वो, तो काफ़ी बगी मेरे को ये अपडेट लग रही है, तो चलाने में ऐसा लग रहा पता ना कितना मतलब हैंग हो रहा फ़ोन। तो और मैं बताऊंगा रिव्यू में कैसी अपडेट है, तो सारी चीज़ बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलेगा आज के लिए बस इतना ही था, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा बाय।